लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। माथाड़ी कामगारों ने कल नई मुंबई की एपीएमसी मंडियों में बंद का ऐलान किया है। मांग है कि उन्हें फ्रंट लाइन वर्कर मानकर लोकल ट्रेनों और बसों में यात्रा की छूट दी जाए। माथाड़ी आज सानपाड़ा रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा यात्रा से रोके जाने के बाद नाराज हैं। माथाड़ी नेता नरेंद्र पाटिल ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब मंडी अति आवश्यक सेवाओं में शामिल है, तब उसमें काम करने वाले माथाड़ी कामगार फ्रंट लाइन वर्कर क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार माथाड़ियों को रेल और बसों में यात्रा की परमिशन नहीं देती, तब तक मंडियों में काम बंद आंदोलन चलता रहेगा। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रही ये नई मुंबई की एपीएमसी मंडी है, जो अति आवश्यक सेवा में शामिल होने के कारण चालू है, लेकिन कल यहाँ बंद रहेगा। मंडी के माथाड़ी कामगारों ने 24 अप्रैल को यहाँ हड़ताल करने की घोषणा की है। दरअसल माथाड़ी लोकल ट्रेन और बसों में यात्रा की अनुमति नहीं मिलने से नाराज हैं। आज उन्हें सानपाड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्रा से रोक दिया गया था, जिसके बाद माथाड़ियों ने प्लेटफॉर्म पर बैठकर धरना दिया। यहाँ पहुंचे माथाड़ी नेता नरेंद्र पाटिल ने कहा कि सरकार एक तरफ जहाँ मंडियाँ चालू रखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ वहां काम करने वाले माथाड़ियों और मापाड़ियों को लोकल ट्रेन और बसों में यात्रा करने से रोकती है। उन्होंने कहा कि तमाम मांगों के बाद भी सरकार इनके लिए जीआर नहीं निकाल रही, इसलिए हमने मंडियों में बंद का ऐलान किया है। माथाड़ी कामगारांना आणि मापाड्यांना त्या ठिकाणी सानपाडा रेलवे स्टेशन मध्ये अडवलं गेलं होतं, कारण राज्य सरकारकडनं कुठेही माथाडी आणि मापाडी किंवा बाजार समितीच्या संघटित असणाऱ्या लोकांनी प्रवास करावं अशा प्रकारचं सूचना दिलेली नाही। मुख्यमंत्र्यांची काल मीटिंग झाली, त्याच्यामध्ये मी आवाहन केले की आपण तसं आदेश काढणं गरजेचं आहे। अत्यावश्यक सेवेमध्ये बाजार समितीचे सर्व घटक व माथाडी कामगार यांचा समाविष्ट झाला पाहिजे। मुख्यमंत्री महोदय, आपण हा विषय गांभीर्याने घ्यावा एवढीच विनंती करतो, नाहीतर उद्यापासून नवी मुंबई एपीएमसी मार्केट हे सुरू होणार नाही, याची आपण त्या ठिकाणी नोंद घ्यावी। माथाड़ियों के इस सांकेतिक विरोध और बंद को एपीएमसी के व्यापारियों ने भी समर्थन दिया है। मसाला मार्केट के पूर्व संचालक और मर्चेंट चैम्बर के अध्यक्ष कीर्ति राणा ने कहा कि राज्य सरकार के लॉकडाउन निर्देश कन्फ्यूजन से भरे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि माथाड़ियों को यात्रा की छूट नहीं मिलेगी तो वे मार्केट कैसे पहुँचेंगे और मंडियों में कामकाज कैसे हो सकेगा। इसलिए व्यापारियों ने भी माथाड़ियों के समर्थन में बंद करने का निर्णय लिया है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि महानगर पालिका, पुलिस, एपीएमसी समन्वय करिए हमारी संगठन से, और जीवन आवश्यक वस्तु का पुरवठा सही मिले जनता को और अच्छी तरह मिले। अभी कल एक दिन का बंद पुकारा है, आने वाले दिनों में पूरा 1 तारीख तक बंद न करना पड़े, तो आप हमारे जो गुमासा है, हमारे माथाड़ी बंधु है, हमारे व्यापारी बंधु है, सभी को ट्रैवलिंग के लिए, अपना गाड़ियों में आने जाने के लिए काफ़ी सहयोग मिला है, मगर आज से ट्रेन में बंद किया है, बसेस में बंद किया है, तो हम हमारी दुकान कैसे चला सकेंगे। तो इस प्रकार उनको तुरंत ही आने जाने के लिए हमारे एपीएमसी के अधिकृत आई कार्ड पे, हमारे चैम्बर के, हमारी संगठन के अधिकृत आई कार्ड पे उन सभी को आवश्यकता अनुसार ट्रैवलिंग करने की छूट दे दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।